हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम फिल्मी फंडा, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड दुनिया से जुड़ी कई तमाम जानकारियां। मैं माधवी चौधरी लेकर आई हूं बॉलीवुड के गलियारों से कई चटपटी खबरें। आज हम बात करेंगे फिल्म मिर्जापुर के बारे में। फिल्म मिर्जापुर 1 और 2 ने हमारे दर्शकों का काफी मनोरंजन किया है और इसलिए हमारे दर्शकों ने भी इन फिल्मों को अपना अपार प्रेम भी दिया है। फिल्म मिर्जापुर 1 और 2 के बाद अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है मिर्जापुर 3 का। जी हाँ, हमारे दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल काफी ऊपर हो गया होगा यह जानने के लिए कि आखिर मिर्जापुर 3 रिलीज कब होगी। मिर्जापुर के किरदारों की छवि आज भी हमारे दर्शकों के आंखों में बसी है और ऐसे ही किरदारों की उम्मीद उन्हें मिर्जापुर 3 में भी है, जो उनके मनोरंजन को और दुगना करे। और वैसे ही दमदार डायलॉग्स की भी उम्मीद मिर्जापुर 3 में है। मिर्जापुर एक वेब सीरीज है जो वर्ष 2018 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया था। फिल्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कहानी है, जिसमें ड्रग्स, बंदूक, अवैध व्यापार और अराजकता को दिखाया गया है। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिल्म में कालीन भैया एक बाहुबली है जो तरह तरह के अवैध काम को अंजाम देते हैं। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। इसमें गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया का भी अहम किरदार है जो अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं। और ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा यहाँ। पूछ के रख देंगे सारी उंगलियां और खोपड़ियां में डाल देंगे गोली, समझे? हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे। हमारे मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। मिर्जापुर के सीजन 1 की तरह सीजन 2 भी खूब पॉपुलर रहा। भले ही सीजन में मुन्ना त्रिपाठी की मौत हुई, मगर उन्होंने अपनी दबंगई अंदाज से इस सीजन भी फैंस का दिल जीत लिया था। घर में मरा नहीं हम, हिंदी फिल्म के हीरो हैं वे, हमें कोई नहीं मार सकता। उनका किरदार फैंस को इतना पसंद आया है कि वे मिर्जापुर के तीसरे सीजन में मुन्ना की फिर से वापसी चाहते हैं। क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं, भगवान एक ही बनाया हमको। मिर्जापुर 2 की बात करें तो मुन्ना और कालीन भैया के अलावा शो में गुड्डू, गोलू, रॉबिन, दद्दा त्यागी, छोटे बड़े, माधुरी यादव त्रिपाठी और लाला के किरदार ने भी खूब प्रभावित किया। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। सीरीज का दूसरा सीजन जिस मोड पर एंड हुआ है, उसके मद्देनजर फैंस के बीच तीसरे सीजन को लेकर उत्सुकता और बढ़ती नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या तीसरे सीजन में मुन्ना के किरदार में देवयंदु की वापसी होती है या फिर विक्रांत मेसी के किरदार की तरह इस वेब सीरीज में भी उनके भी सफर पर पुण्य विराम लग जाएगा। हमारे इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारे दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है मिर्जापुर 3 को लेकर। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक मिर्जापुर 3 को भी उतना ही भरपूर प्रेम देंगे। इस खबर के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें लगातार के फिल्मी फंडा प्रोग्राम से। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।